ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब दुख अनादि है तो राजयोग करने का क्या फायदा? दुख अनादि है भी अनादि नहीं भी, क्योंकि संसार एक्यूरेट है। संसार के अंदर ड्रामा में हर एक्ट एक्यूरेट है। मैंने सुख दिया है तो मुझे सुख मिल रहा है, मैंने दुख दिया है तो मुझे दुख मिल रहा है, और ये सुख व दुख मैं अनादि काल से देता आ रहा हूं और अनादि काल से लेता आ रहा हूं। तो सुख भी अनादि हुआ, दुख भी अनादि हुआ। जब दिए हुए को कोई माफ नहीं कर सकता, मैंने दुख दे दिया है किसी को, परमात्मा भी मुझे उस दुख से माफी नहीं दिला सकता, फिर राजयोग किस लिए? फिर राजयोग करने का फायदा क्या? परमपिता परमात्मा पहली बात समझाते, कि बच्चे जिस समय जिस आत्मा को परिवर्तन होना है, ये बातें ड्रामा अनुसार उन्हें समझ में आएंगी। जिनके अभी परिवर्तन का समय नहीं आया, उन्हें समझ में ही नहीं आएंगी। ड्रामा अनुसार हर आत्मा को अपने एक्ट में, अपने जीवन में परिवर्तन करना ही करना है। हर आत्मा को गिरती कला से चढ़ती कला में जाना ही जाना है। मेरा आना माना चढ़ती कला में जाना। तो हर आत्मा को जैसे एक क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाता तो सबको एक जैसा है, परंतु कुछ भाग्यशाली आत्माएं, अपने भाग्य के अनुसार इन बातों को समझती है। हर बात कुछ अच्छी है या बुरी है, और वो उन्हें समझ में आने पर उसको अप्लाई करते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आता है, अच्छा बनने के लिए भी और बुरा बनने के लिए भी। राजयोग हमें अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनने की विधि सिखाता है, जिसका समय आएगा, जिसका पार्ट होगा चेंज होने का, उसको ये बात समझ में आती जाएगी और वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। जिसका समय अभी नहीं आया वो अभी चेंज होगा नहीं, वो सुनेगा नहीं, वो समझेगा भी नहीं।
ड्रामा ऊपर है। मैं चाहूं सारे विश्व को परिवर्तन करना, मैं नहीं चाह सकता। हर आत्मा ने अपनी इच्छा अनुसार ही अपने आप को परिवर्तन करना है। राजयुग का महत्व तो सबके जीवन में जरूरी है। सबको अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना, पतित से पावन बनाना है तो राजयुग सीखना है। सिखाया तो सबको जाएगा, परंतु हर एक ने अपने पुरुषार्थ अनुसार उतना ही परिवर्तन करना है जितना उसके रोल में है, पार्ट में है, ड्रामा में है। परंतु पहले से ये सोच करके बैठ जाना मेरे पार्ट में होगा तो हो जाएगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं पी सकते आप, खाना भी नहीं खा सकते, कोई भी एक्ट नहीं हो सकता। पुरुषार्थ तो करना ही करना पड़ेगा। जैसे किसी गंदी सलाह से नरक में जाना निश्चित है, ऐसे राजयोग से स्वर्ग में जाना निश्चित है। अब किधर कोई जाना चाहता है ये उस आत्मा का अपना पार्ट है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।